अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करता हूँ। इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक आमद लियाकत से क्या पूछा, खुद ही बता दिया। वज़ीरे आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ से मुतल्लिक आमद लियाकत से क्या पूछा, रुकन कौमी असम्बली ने खुद ही बता दिया। तहरीके इंसाफ के रहनुमा आमद लियाकत हुसैन ने कहा कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने मुझसे पूछा था कि नवाज शरीफ के हवाले से क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो रही है, उनको बिरौन मुल्क भेज दें। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए आमद लियाकत हुसैन ने कहा कि इमरान खान कई दिन से नवाज शरीफ के बारे में बार बार हुजरा से भी कह रहे थे और मुझसे भी पूछा था कि नवाज शरीफ के हवाले से क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हो रही है, उनके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गए हैं, इसलिए उनको बिरौन मुल्क भेज दें। आमद लियाकत हुसैन ने कहा कि रैम का मतलब ये नहीं कि चोरों और डाकुओं को छोड़ दिया जाए, लेकिन जब शख्स को इतना बीमार हो जाए तो ये लगे कि वो आज या कल मर जाए, तो ऐसी सूरत में ये रैम नहीं होता बल्कि ये इंसानी हमदर्दी होती है। उन्होंने कहा कि दीगर कैदियों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए जैसे नवाज शरीफ के साथ किया गया है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय के इस खार में कमेंट बॉक्स में दें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।